अच्छा ठीक छै, छुट्टी नहि देथुन तऽ कैसे अयबी बउआ? की होलो दोस्त? कुछ नहीं यार। अरे की दिक्कत हो, बोल, शायद कुछ मदद कर पाइयो। माय छोट में घर बोलल कहन। तो घर जो यार, तू तो वैसे भी 2 साल से घर नहीं गली है। मालिक छुट्टी दे दे तब ना भाग जेबे। तू मालिक से बात कर ली छुट्टी ला? जाओ एक बार मालिक से बात करके देख। आखिर हो क्या रहा है? हर महीने तुम्हारे हिसाब में पैसे कम कैसे पड़ जाते हैं? हिसाब तो बिल्कुल ठीक है मालिक, पता नहीं पैसे कैसे कम होते जा रहे हैं। अरे तो पता करो, पैसे कैसे कम हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है? क्या हुआ नंदू? कुछ नहीं मालिक, पैसे का हिसाब कर दीजिए, घर जाना है। घर? जी मालिक। घर क्यों जाना है? छठ पूजा, इसलिए। पिछले साल भी आप जाने नहीं दिए थे, न होली में गए घर, न दशहरा में गए घर, और दिवाली में भी घर नहीं गए मालिक। छठ हम लोग का महापर्व है मालिक, घर जाने दीजिए मालिक, इस बार छुट्टी दे दीजिए मालिक। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? नंदू घर का इकलौता बेटा है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? छठ, आप जानते भी हैं छठ क्या है? अरे बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है छठ। अगर हिंदुओं में सबसे बड़ा व्रत अगर कोई है ना कठिन व्रत, तो छठ व्रत ही है मालिक। और तो और, जहाँ लोग सिर्फ उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं ना मालिक, वहाँ बिहारी डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं मालिक। अगर आपको लगता है ना कि 10-15 हजार नौकरी करने वाले बिहारी को आप छठ पे घर जाने से रोक देंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। अरे छठ पूजा के लिए तो बिहारी ऐसे 1000 नौकरियों को ठोकर मार सकता है मालिक। लेकिन नंदू आपको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है, बाकी फैसला आप पर निर्भर करता है। जयराम जी, आप जानते भी हैं छठ क्या है? अरे बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है छठ। अरे छठ पूजा के लिए तो बिहारी ऐसे 1000 नौकरियों को ठोकर मार सकता है मालिक। आदित्य ठीक कह रहा था मालिक, हमको नंदू को छुट्टी देना चाहिए। मुंशी जी, आदित्य ने तो मेरा दिमाग खोल दिया, हमें छुट्टी देना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। घर जो जल्दी घर से वापस आवे। थैंक यू भाई। कब हूं ना छुट्टी